हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हॉस्टल की वीडियो दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो नया हॉस्टल मिला है हमको फर्स्ट ईयर के बाद, जैसे हमको इंटर्न हॉस्टल न्यू बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया था, तो उस वहाँ के रूम कैसे हैं। मेरे पास बहुत सारे DM कमेंट्स वगैरह हैं। आप नए रूम टूर की वीडियो लॉन्च करिए, सो इस वीडियो में हम नए रूम टूर की वो करेंगे बात। लेट्स स्टार्ट। This is new boys hostel friends. अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं जा रहा हूँ, सो मैं आपको मैस दिखाता हूँ मेरे अंदर की मैस कैसी है। आती हूँ न्यू बॉयज हॉस्टल। दिस इज अवर कैंटीन साइड, नेक्स्ट कैंटीन जो हमारी, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैस है। फ्रेंड्स, अभी मैं मैस में आ चुका हूँ। मैंने आपको मैस का भी थोड़ा सा वीडियो भी शो किया था। अभी मैं पंठा बोला, मेरा एक पंठा और एक दही, तो वो आ जाता है ब्रेकफास्ट करके। फिर मैं आपको न्यू बॉयज़ का जो रूम है आयुष का, वो वाला रूम दिखाऊंगा आपको। आयुष तो आज है नहीं हॉस्टल में, तो पीछे से उसका रूम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आपको मेरा रूम दिखाता हूँ कैसा है, न्यू बॉयज़ हॉस्टल इंटर्न हॉस्टल्स कैसे हैं, सारा कुछ कैसे है। ब्रेकफास्ट कर लिया है फ्रेंड्स मैंने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यू बॉयज़ का जो हॉस्टल है, मतलब न्यू बॉयज़ हॉस्टल जो है बिल्डिंग है वो कैसी है। पूरा न्यू बॉयज़ हॉस्टल फ्रेंड्स, और सामने ये मैस नंबर एक ब्रह्मपुत्र मैस जो है हमारी, ये है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा आयुष के रूम पे, कि रूम टूर ऑफ न्यू बॉयज़ हॉस्टल। रूम नंबर 22। ये आयुष का बेड है, ये आर्यन शर्मा का बेड है, ये आयुष की अलमीरा, सामने आर्यन शर्मा और मोहित की अलमीरा। यहाँ पे अब तक ये सब सो रहे हैं। मैंने इसके बैक डोर से एंट्री ली थी, ये आप अलमीरा देख सकते हैं। मैं आपको इसका मेन गेट दिखाता हूँ। ट्वेंटी 23 सारे भाई, ये वाले रूम डबल शेयरिंग रूम्स हैं, और जो ये वाला है ये डॉर्म रूम है जिसमें चार बच्चे रहते हैं। तो फिर से आपको अंदर लेके चलता हूँ। अभी
फ्रेंड्स, अपने अभी आपने देख लिया न्यू बॉयज़ का रूम किस टाइप का होता है, डोम रूम किस टाइप का है। काफ़ी स्पेशियस और फर्निश्ड है, देखिए फर्श भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा इंटर्न ब्लॉक की तरफ कि वो कैसा है। सामने जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये ओल्ड ब्लॉक की बिल्डिंग है ये वाली सारी। और यहाँ पे ये अच्छा सा ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रखी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा इंटर्न हॉस्टल, इंटर्न बिल्डिंग हॉस्टल जो है हमारा। इसके अंदर चलते हैं अभी। वॉशरूम्स और बाथरूम्स की जो फैसिलिटी, ये हमारे सारे रूम्स इस टाइप से सेम, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है कि यहाँ पे चारों ओर बीच में एक पार्क है, चारों ओर रूम्स। दिस इज माय रूम T2। सो लेट्स मूव इन। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कैसा है हमारा इंटर्न का रूम। ये वाला पोर्शन मेरा है, ये मेरी टेबल, कूलर, चेयर, बेड, ब्लैंकेट्स वगैरह। ये गेट है, ये बालकनी एरिया है जो कि आयुष के रूम पे नहीं थी, बिकॉज उसका रूम दोनों साइड से प्रॉपरली ओपन था, परंतु न्यू बॉयज का जो रूम्स है वहाँ पर मिलेगी। ये हमारी बालकनी और बैक साइड एरिया आ गया, जाने का मन नहीं है वहाँ पर। ये वाला पोर्शन आर्यन मलिक का, भरत सिंह का है, जो आप मेरी वीडियो में मिलते रहते हो। भरत सिंह का ये भरत सिंह का कैप रखा हुआ है, और ये उन्हीं की चेयर कूलर वगैरह है आर्यन मलिक का। और ये हमारी कबर्ड पूरी शेयरिंग में है सभी बच्चों की, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि कुछ डिफ्रेंशिएशन हो कि मतलब अलग अलग बॉक्स अलग अलग, कुछ नहीं, सब कॉमन है। फ्रेंड्स, ये था रूम टूर न्यू बॉयज़ हॉस्टल एंड इंटर्न बॉयज़ हॉस्टल कि कैसा है। ओल्ड ब्लॉक का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है मेरे इस चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं कि वो कैसा है। फिर से अपने पीछे देख सकते हैं, काफ़ी मतलब सोफिस्टिकेटेड सा माहौल रहता है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मतलब रूम इतना बोल रही है, ओल्ड ब्लॉक से काफ़ी अच्छे हैं, स्पेसियस है, खुश लगते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स।